नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। लग्न अनुसार क्या कहता है नव वर्ष 2021 का भविष्यफल। ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्ति की अपनी राशि अनुसार कुंडली होती है और जिस तरह से 12 राशियां होती हैं ठीक उसी तरह 12 लग्न भी होते हैं और उन 12 लग्न के 12 भाव होते हैं जिनमें 9 ग्रह अलग अलग स्थान पर होते हैं और इन 9 ग्रहों का अलग अलग स्थान ही आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपका भविष्य तय करता है। और ऐसे में आइए डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2021। आने वाले नए साल में मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए क्या कुछ है, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है। 2020 लाया दुर्भाग्य या 2021 सवारेगा आपका भाग्य, जानिए 2021 का लग्न राशि फल सिर्फ धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जी हां, अगर आपके स्टडीज, बैंक बैलेंस, कारोबार, नौकरी, सेहत और रिश्तों के लिहाज से यह वर्ष बहुत खराब गया है तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि आने वाला जो 2021 वर्ष है वो आपके लिए कैसा गुजरेगा। संकट काल का ये समय क्या आपके लिए खत्म होगा। अगर आप भी आने वाले साल का ब्यौरा चाहते हैं तो आज आप अपने कुंडली पर जरूर गौर फरमाएं, किस लग्न की आपकी है जन्म पत्रिका, ऐसे आपका लग्न बताएगा 2021 में कब मिलेगा आपको पैसा, कब सुधरेगी आपकी सेहत, कब मिलेगा आपको जॉब और कब मिलेगी आपकी, कब होगा आपको प्रमोशन। साथ ही बताएगा कि कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। लग्न के अनुसार आप अपने बारे में जान सकते हैं, पूरे वर्ष का की जानकारी, पूरे वर्ष का लेखा जोखा आप जान सकते हैं। क्या कहता है मिथुन लग्न, मैं अपने दर्शकों को पहले यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे सभी जो कार्यक्रम हैं आपने राशि के अनुसार आप देखते आए हैं। अगर आपकी ये राशि है तो आपका साल कैसा होगा, आपकी राशि ये है तो उसका फलाफल ये होगा, यही अभी तक आप देखते आए हैं। आज हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लग्न की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये जान लें कि 54 घंटे एक राशि रहती है, कोई एक राशि जब कोई एक राशि में रहता है तो उसे तो चंद्रमा उस राशि में 54 घंटे रहता है तो उसे कहते हैं राशि। और जब 24 घंटे में 12 राशियां व्यतीत होती हैं, लगभग 2 घंटे से 2 घंटे 10 मिनट तक का 2 घंटे का एक लग्न होती है, 24 घंटे में 12 लग्न व्यतीत होती है, इसे कहते हैं लग्न। जैसे मेष राशि का जातक किसी भी लग्न का हो सकता है, मेष राशि का जो जातक है वह किसी भी किसी लग्न का हो सकता है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वह राशि पर नहीं लग्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। लग्न पर चर्चा करने का अभिप्राय ये है कि गोचर की हम चर्चा करेंगे, आपकी कुंडली के जो नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को उसी तरह से मान करके आप अपने वर्तमान ग्रह को स्थापित अगर करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट बनता है, आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव रहेगा, सुख दुख के बारे में आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को राशि फल से जोड़कर मत देखिएगा, बल्कि इसे लग्न से जोड़कर आप देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ ESC लिखा हो या लग्न लिखा हो वहीं आपका लग्न है। अगर एक अंक लिखा हो तो मेष है, 2 अंक लिखा हो तो वृषभ है, 3 अंक लिखा हो तो मिथुन है, 4 अंक लिखा हो तो आपको कर्क है, ऐसे ही अगर 12 अंक लिखा हो तो वह मीन है। ये जन्मांशक्र बताएगा। अगर कुंडली आप देख रहे हैं तो मिथुन लग्न वाले के लिए 2021 काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वर्ष 2021 की शुरुआत पुष्य नक्षत्र में कन्या लग्न और कर्क राशि में हो रही है। वर्ष 2021 के आरंभ में देव गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि अर्थात मकर राशि में विराजमान होंगे और 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पूरा साल अपनी मकर राशि में
विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक वर्ष भर गोचर करेंगे और इसी तरह अन्य ग्रह भी बारी बारी से अपनी सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। मिथुन राशि वाले जो जातक होंगे उनका यह जो वर्ष काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अपने करियर में ये बहुत उतार चढ़ाव इन्हें देखने को मिलेंगे। जहां 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में सफलता मिलने से उनका भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं 15 सितंबर से 30 नवंबर तक उन्हें पुनः दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर अगर आप काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा वर्ग हैं, तो समय आपका बेहतर व्यतीत होगा। वर्ष 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के विभिन्न अवसर लेकर आ रहा है। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक से संयमित होकर अपना कार्य करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके दशम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति साल के पहले महीने में आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगा और जो उसी अवस्था में अप्रैल तक विराजमान रहेगा वहीं पर बना रहेगा। इसी कारण आपको अपने करियर में कुछ रुकावटों से दो चार होना पड़ सकता है। वहाँ पे रहने के कारण थोड़ी परेशानियाँ बनी रह सकती हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए खासकर वर्ष 2021 काफ़ी खास रहने वाला है। इस वर्ष आप अपनों का ख्याल रखेंगे, अपना भरपूर समय आप अपने परिवार को देंगे, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही घर की आवश्यकता के अनुसार नई नई चीज़ें खरीदने के लिए भी श्रृंगार के चीज़ जो है जिससे घर को ठीक बनाया जा सके उसे भी आप खरीदने का प्रयास करेंगे। घर में आपका बेहतर रहे, सुंदर रहे, दिखावा रहे, उसका आप ध्यान रखेंगे। घर में आयोजन भी संभव है और सभी कार्यों से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि का जो वार्षिक राशिफल है वह 2021 के अनुसार ये वर्ष मिथुन राशि वाले खासकर जातकों के लिए कई परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपको सेहत से संबंधित सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि साल के प्रारंभ में सूर्य और बुध देव जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी का ख्याल जो है आपको बेहतर रखना होगा। कुछ बदलाव की स्थिति साफ नज़र आएगी, जिनका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी ना किसी रूप में पड़ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से दाम्पत्य बेहतर है, कंजुगल लाइफ बेहतर है, इसका ख्याल रखें। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यह वर्ष जो है वह थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा छठे भाव में केतु की उपस्थिति जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े कष्ट की ओर इशारा कर रही है। हालांकि आपके सतर्क रहने से, अगर आप सतर्कता बरतते हैं, तो आप इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन आप जी सकते हैं। तो इसके लिए इसका आप ख्याल रखें। मिथुन राशि फल जो है, मिथुन का जो लग्न राशि फल है वह 2021 के अनुसार इसका जो ज्योतिषीय उपाय है वह बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आज़ाद करें। उत्तम गुणवत्ता वाला अगर पन्ना है आप उसे धारण करें, जन्म कुंडली दिखा लें। अपनी बुआ अथवा मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियां भेंट करें। बुध के बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंशा बुधाय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार की संख्या में करें। भोजन में हरी मिर्च का आप सेवन करें, देखेंगे कि आपका सेहत जो है थोड़ा ठीक भी रहेगा और परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप इसे सब्सक्राइब करें। विशेष अगली राशि के लिए अगले वीडियोस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।